फ्रेंड्स, वेलकम टू के स्पाइस होममेड मसाला। आपने हमारा खमन प्रीमिक्स ट्राई किया है। आज हमने वाइट ढोकले का प्रीमिक्स बनाया है। ये झटपट रेसिपी है, वाइट ढोकले का प्रीमिक्स है, आप घर पर बना सकते हो। ये अभी हमारा पर्यूषण चालू हुआ है तो कल ही मैंने ये बनाया है, वाइट प्रीमिक्स ढोकले का आटा। ये आपको 15 दिन तक अच्छा सा रहेगा और आप यूज़ कर पाओगे। इसको स्टोर करके आप 3 महीने तक रख सकते हो, पर जेन में नहीं चलता है तो 15 दिन में आपको यूज़ करना है। इसको हम ये आटा है उसको सीव करते हैं, छान रहे हैं। ये हमने इसमें 1 कटोरी आटा छान लिया है, ये जो वाइट ढोकले का प्रीमिक्स है वो। अभी इसमें हमको ऐड करना है 1 कटोरी पानी और 1/2 कटोरी यानी के 1.5 कप इसमें ऐड करना है और इसको स्टीर करना है। आप इसमें आपके टेस्ट के अनुसार ग्रीन चिली का पेस्ट और अपना जिंजर का पेस्ट ऐड ऑन कर सकते हो। हमारा पर्यूषण स्टार्ट हो रहा है तो हम 8 दिन के लिए ये ग्रीन सब्जी वेजिटेबल्स सबका त्याग करेंगे, सो हम नहीं डालेंगे, प्लेन वाइट बनाएंगे। इसमें हमने सब ऐड किया हुआ है, सॉल्ट आप देख सकते हो, देखो कितना अच्छा। एक ही कंडीशन में आपको हिलाना है, एक ही डायरेक्शन में। रेडी है, इसको हम ये ग्रीस की हुई प्लेट्स, ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट में पोर करेंगे। और ये हमने पानी पानी के टॉप में गर्म पानी करके रखा है। इसमें हम स्टीम करने के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। ये हम थाली अंदर पतीले के अंदर रखते हैं। ऊपर से हम पोर करेंगे। ये जो हमने प्रीमिक्स का घोल रेडी किया है इंस्टेंट, इसमें से आप अप्पम, उत्तप्पा, इडली और वाइट ढोकला सब बना सकते हो आपके डिमांड के हिसाब से। ये ढोकले में हम ऊपर से रेड चिल्ली पाउडर और जीरा पाउडर टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे, क्योंकि हम ग्रीन मिर्च का पेस्ट नहीं डाल रहे हैं। सो हम भुना हुआ जीरा पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर स्प्रेड करके इसको 15 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देंगे। फिर इसको हम ऑयल के साथ मिर्ची डालकर खा सकते हैं, इसका तड़का भी दे सकते हैं और सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये झाली दाल वाइट ढोकला रेडी है। इसके ऊपर हम इसके पीसीस करके ये हमने वघार रेडी किया है, ये ऐड ऑन करेंगे। मैंने एक साइड लाइंस किया है, अभी मैं वघार ऐड कर रही हूँ। और ये फ्रेंड्स, एक पैकेट में से आपका 1/2 किलो वाइट खमन वाइट ढोकला बनेगा। फाइनली हमने सब जगह स्प्रेड कर दिया है। हम इसमें कड़ी पत्ता, ग्रीन मिर्ची सब डाल सकते हैं। हमने पर्यूषण के लिए रेडी किया है सो हम इसमें नहीं डालेंगे।